नमस्कार, आईबीएन 7 की इस विशेष पेशकश में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ वो शख्स हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वही वो कड़ी हैं जो इस बात का जवाब दे सके कि नरेंद्र मोदी इस देश के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं या नहीं। उनके मुख्य सलाहकार उत्तर प्रदेश के आज की तारीख में बीजेपी के की स्ट्रेटेजिस्ट अमित भाई शाह। अमित भाई, आईबीएन 7 पर आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं आपकी नई राजनीतिक कर्मभूमि उत्तर प्रदेश से। आजकल आप उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, बहुत दौरे कर रहे हैं, लेकिन आपके विरोधी कह रहे हैं कि अमित शाह एक अजीब सा पॉलिटिकल कल्चर लेके उत्तर प्रदेश में घुस चुके हैं और वो कल्चर है दंगों का, कि अमित शाह दंगे फैला रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं। कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे सर इसको? देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरे जाने के बाद एक ही दंगा हुआ है, मुजफ्फरनगर का। उसके पहले 90 दंगे अखिलेश की सरकार बनने के बाद हुए, वो मेरे जाने से पहले हुए। इसका मतलब ये होता है कि अखिलेश की सरकार ने दंगों की नींव डाली है, वो ही उसको पानी डालकर बढ़ा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अमित शाह उस नींव के ऊपर अपनी राजनीतिक उपज लगाने के चक्कर में? देखिए, नींव न डाली होती तो कोई ऊपर कुछ नहीं कर सकता, लेकिन आप कर रहे हैं, क्या आप ये मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। सवाल पहले नींव डाली गई है, उस बात को सबने स्वीकार करना पड़ेगा। अगर आप एफिशमेंट की पॉलिटिक्स को बढ़ावा दोगे, एक वर्ग के प्रति आपका रुझान इतना ज्यादा होगा कि बाकी के वर्गों में इसके प्रति भरी एक रोष की फीलिंग खड़ी हो जाएगी, तो स्वाभाविक है तनाव पैदा होगा। तो आप ये स्पष्ट आरोप ये मौजूदा समाजवादी पार्टी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं कि वो एक तरीके से मुस्लिम अपीजमेंट, माइनॉरिटी अपीजमेंट पॉलिसी को वो लोग फॉलो कर रहे हैं? जी, बिल्कुल आरोप नहीं लगा रहा है, ये वास्तविकता है। और अपीजमेंट की चरम सीमा तो ये है कि 21 आतंकवादियों पे बने हुए केसेस वापिस लेने के लिए इस सरकार ने पहल करी है। मैं ऐसा कभी सोच ही नहीं सकता कि संविधान के तहत चलती हुई सरकार सिर्फ माइनॉरिटी एपिसमेंट के लिए हार्डकोर टेररिस्ट के मुकदमे वापिस लेने की सोच है। लेकिन बड़ी विचित्र बात है अमित जी, यहां पर आप अखिलेश सरकार के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। यहां पर देखिए कि आप ही की अपने पार्टी के तीन विधायक हैं, हुकुम सिंह, संगीत सोम, सुरेश राणा, इन तीनों व्यक्तियों के ऊपर आरोप लगाया है कि इन्होंने मुजफ्फरनगर में जो कुछ हुआ उसके लिए बड़े पैमाने पर ये जिम्मेदार हैं। आप अब इस वक्त उत्तर प्रदेश के आप एक तरीके से कार्यवाह हैं, आप देख रहे हैं पार्टी का कामकाज वहां पे, क्या आप इस तरीके की राजनीति का समर्थन करते हैं सर, जिसका आरोप लग रहा है आपके ही तीन विधायक? आरोप मुलायम सरकार ने लगाए हैं। पहले मुजफ्फरनगर दंगों की मूल घटना पे जाइए, जो दो बच्चियों के साथ छेड़खानी हुई, अगर उस पर प्रॉम्प्ट एक्शन पुलिस ले लेती तो कुछ नहीं होना था, मगर एक्शन इसलिए लिए नहीं गए हैं कि ऊपर से पॉलिटिकल सूचना है। एक स्ट्रिंग ऑपरेशन किसी चैनल ने करा था, उसमें सिद्ध हो चुका है कि पॉलिटिकल सूचनाओं के तहत पुलिस ने अपने एक्शन लिए और इसका रिएक्शन पब्लिक में देखा गया। अगर वो घटना को वहीं दबा देते, वो घटना पर सीआरपीसी के तहत एक्शन लिए जाते, तो मैं मानता हूं कि ये दंगे होते ही नहीं। लेकिन मगर दंगों की नींव इस बात से डली है कि एक तरफा कार्यवाही पुलिस करती है, इसलिए दंगे हो। सर, आप बार बार ये आरोप लगा रहे हैं कि एक तरफा कार्यवाही पुलिस करती है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप एक मंझे हुए नेता हैं, आप गुजरात से आप आए हैं, आप अपने आप को अभी एक राष्ट्रीय स्तर के नेता बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि आपकी पार्टी के विधायकों को इस प्रकार जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, या तो आप ये कहिए कि आरोप कंप्लीटली डिनाई करें, उन्होंने किया नहीं है? निराधार आरोप है, दंगों का आरोप बीजेपी पे मरने के लिए आरोप लगाए हैं। और छह पंचायतें दोनों ओर हुई थी। नहीं सर, वहां मुझे अपनी बात बताइए, आप सुन लीजिए, बीजेपी की बात बताइए। मैं बीजेपी की बात, आप जो जहां स्ट्रिंग ऑपरेशन की बात करते हैं, वहीं इन तीनों नेताओं के वीडियोज भी हमने दिखाए हैं सर, किस प्रकार की भाषा का प्रयोग हो रहा था। पंचायत कोई बीजेपी की पंचायत नहीं थी, एक जाति की पंचायत थी और पंचायत दोनों वार्ड लगी थी। मुसलमानों की भी पंचायत हुई थी, हिंदुओं की भी पंचायत हुई थी और दोनों पंचायतों में इसके ऐसे भड़काऊ भाषण हुए, मगर एनएसए सिर्फ बीजेपी के एमएलए पे लगा। आप क्या कहना चाहते हैं इसके? लेकिन आपके लोगों ने भाषण दिया, ये तो मानते हैं? देखिए, मैंने भाषण सुना नहीं, मगर मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जब प्रशासन एक तरफा कार्यवाही करता है तब लोगों को इकट्ठा होने का कारण मिलता है, लोगों को रोषित होने का कारण मिलता है और लोगों को रिएक्शन देने का कारण मिलता है। शासन की जवाबदारी ये है कि जाति धर्म से ऊपर उठकर कानून के हिसाब से कार्यवाही करे और जो भी दोषी से उसको दंडित करे, मगर दंडित करते वक्त आप उसका धर्म देखेंगे, आप उसकी जाति देखेंगे तो रिएक्शन आना स्वाभाविक है। आज भी अभी काफी समय बाकी है, अगर अखिलेश सरकार
ये भेदभाव की नीति बंद कर दे तो उत्तर प्रदेश में शांति बनी रहे। लेकिन सर आप ये जो आप शब्दावली जिसका प्रयोग कर रहे हैं, आप कह रहे हैं रिएक्शन आना स्वाभाविक है, मैं फिर से कह रहा हूं एक राजनेता के तौर पे आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उस रिएक्शन को आने दें या आप उस रिएक्शन के ऊपर ठंडा पानी डालें? क्या ये नहीं अच्छा होता कि आप लोग, आप ही के जो नेता जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं, क्या अच्छा नहीं होता कि ये लोगों के बीच में जाकर उनको समझाने बुझाने की कोशिश करते हैं? आप कह रहे हैं कि आग में घी डालना चाहिए। नहीं, मैं ये कहता हूं कि भावनाओं को आहत ही नहीं करना चाहिए। भावनाओं को आहत करते हैं तब जाकर कोई बात आगे बढ़ती है। भावना आहत हो ऐसा कोई एक्शन सरकार की ओर से नहीं होना चाहिए, प्रशासन की ओर से नहीं होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी प्रशासन की है, सरकार की। अगला आरोप अमित शाह आप पे ये लगता है कि जब से आप उत्तर प्रदेश में आए हैं तब से हम देख रहे हैं कभी विश्व हिंदू परिषद कोई आंदोलन करता है, कभी कोई बॉडी कोई आंदोलन करती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एक सोची समझी एक ये साजिश रची गई है आपके द्वारा कि कहीं ना कहीं लोगों को मजहब के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे उनको विभाजित करके वोट की राजनीति की जाए? देखिए, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम मेरे यूपी जाने से के 6 महीने पहले बना था। सरकार को भी भली भांति मालूम है, आपका कोई लेना देना नहीं, मीडिया को भी मालूम। विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में मेरा वैसे भी लेन देन नहीं हो सकता, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, एक बार। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं, आप लोग कॉम्युनल कर को चुनाव को कॉम्युनल बना रहे हैं। हम नहीं बना चुनाव रहे। आप लोग ये तो बार बार आपकी पार्टी और जितने जो हिंदुत्ववादी संगठन हैं वो बार बार इस प्रकार की भाषा या इस प्रकार के मुद्दों को उछालने की कोशिश करते हैं जिसके कारण आपके ऊपर ये आरोप लगते हैं। सर, हो गई आपकी बात जी, अब मुझे सुन लीजिए। हाँ। चुनाव इससे काफी आगे निकल चुका है, हिंदू मुस्लिम एरा इस देश में खत्म हो चुका है। भूपेन जी, आप टीआरपी बढ़ाने के लिए इस चीज को हमेशा उछाला करते हैं, आप मतलब मीडिया के लिए, इसको बंद करिए। जनता डेवलपमेंट के मुद्दे को स्वीकार कर चुकी है और अगला चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पे होने को जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी चुनाव डेवलपमेंट के मुद्दे पर होने जा रहा है। यानी कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो कि ख्वाब देख रहे हैं भारत का अगला प्रधानमंत्री बनने के लिए, आप लोग इस बार इस चुनाव में कतई किसी भी प्रकार से धर्म या मजहब या जातिवाद की राजनीति नहीं कर रहे? मैं फिर से एक बार कहता हूं कि हिंदू मुस्लिम का एरा हिंदुस्तान में खत्म हो चुका है। अगला चुनाव डेवलपमेंट के इश्यू पे होने जा रहा है। मेरी मीडिया से प्रार्थना है कि इस इश्यू को मीडिया न उठाए। क्या यही कारण है अमित जी कि हम देखते हैं कि आप तो जरूर अयोध्या जाते हैं, आप वहां पर जाके राम के दर्शन करते हैं, लेकिन जब आपके मुखिया नरेंद्र मोदी जी इतनी भारी रैली करते हैं कानपुर में, वो तब अयोध्या के ऊपर कुछ नहीं कहते? कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी को अब लगने लगा है कि अयोध्या वो गोली है जो कि अब एक बार चल चुकी है, एक गोली जो एक बार चल चुकी होती है उसको दोबारा नहीं चलाया जा सकता? देखिए, अयोध्या के मामले में मेरे अयोध्या जाने के 2 दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने साफ कर दिया था कि मंदिर हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है। मेरे अयोध्या जाने के बाद भी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में मंदिर नहीं है। यानी आप और नरेंद्र मोदी कतई कोई बात नहीं, सुन लीजिए ना, मैं बस इस मंदिर राष्ट्रीय अध्यक्ष से बड़ा कोई पार्टी में नहीं होता। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि चुनावी एजेंडे में मंदिर नहीं है, मगर आपको ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है मंदिर 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 कर आप ही पूछे जा रहे हो। राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने के बाद राष्ट्रीय महासचिव से पूछने का क्या मतलब रह जाता है? अब ये मैं फिर से आपसे कह रहा हूं, पूरी इस चुनावी समर में हम न आपसे न नरेंद्र मोदी से हम अयोध्या के बारे में कुछ नहीं सुनने वाले, क्या अब ये स्पष्ट हो चुका है? भारतीय अध्यक्ष ने बोल दिया है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि मंदिर हमारा चुनावी एजेंडा नहीं है। ठीक, मंदिर आपका चुनावी एजेंडा नहीं है, लेकिन चूंकि हम बात कर रहे हैं मंदिर की और मंदिर से जुड़े कुछ साधु बाबाओं की, अभी हाल में हमने देखा अमित जी उन्नाव में एक डिगिंग हो रही है सोने को लेकर। पहले नरेंद्र मोदी जी उपहास उड़ाते हैं उस पूरे प्रक्रिया का कि अरे ये क्या हो रहा है, देश का मजाक उड़ रहा है, भारतीय सरकार जाके सोने की खोज में लगी हुई है, बाहर से जाके काला धन जो है उसको लेके आइए। फिर उसके कुछ ही समय बाद हमने देखा कल उन्होंने ट्वीट कर दिया, ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी जी को लगने लगा था कि जो साधु शोभन सरकार जिन्होंने वो सपना देखा था उस सोने का, चूंकि वो नरेंद्र मोदी के ऊपर बरसे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने नरेंद्र मोदी जी को समझाया कि बाबाओं से मौजूदा हालात में उनसे पंगा लेना ठीक नहीं? देखिए, मोदी जी के बयान को मिस इंटरप्रेट किया गया। मोदी जी ने सोने की खुदाई का मामला जो कहा था वो काले धन के रेफरेंस में कहा था। नहीं, उन्होंने ये कहा था भारत का मजाक उड़ रहा है। मुझे सुनिए, आप
उन्होंने ऐसा कहा था कि इतना परिश्रम जमीन में से सोना निकालने की जगह काले धन को वापस लाने के लिए कर ले तो उससे बहुत बड़ी मात्रा में काला धन विदेशों में पड़ा है जो ये कांग्रेस सरकार वापस लाना नहीं चाहती। सरकार ने इसके लिए यत्न करना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए, ये मोदी जी ने कहा है। खैर, मोदी जी ने स्पष्टता करते ही इस चीज पे पूर्ण विराम लग चुका है, इस पर बहस का कोई सवाल नहीं। नहीं, ये बहस नहीं सर। आपके उत्तर प्रदेश जो भाजपा अध्यक्ष हैं लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी, उन्होंने आरोप लगाया है शोभन सरकार के जो स्पोक्सपर्सन है ओम जी उनके ऊपर कि अरे ये तो कांग्रेस के व्यक्ति थे, यानी कि जो चिट्ठी जो शुरू में लिखवाई गई थी और बाद में नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ जो चिट्ठी लिखी शोभन सरकार ने वो सब कांग्रेस एजेंडे के तहत है, तो आपकी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं। देखिए, मोदी जी की स्पष्टता के साथ ही इस बात पर पूर्ण विराम लगता है। लेकिन इसका मतलब ये कि क्या लक्ष्मीकांत वाजपेयी जो आरोप लगाए वो गलत है? मैंने कहा मोदी जी की स्पष्टता के साथ ही इस बात पर पूर्ण विराम लग जाता है। देखिए, मोदी जी ने जो कहा था वो काले धन के रेफरेंस में कहा था और मोदी जी ने इसको स्पष्ट कर दिया। सर, आपके मैं दोबारा से जानना चाह रहा हूं कि आप कह रहे हैं पूर्ण विराम लग चुका है, वहां पर आपके जो एमएलए हैं सतीश महाना जी उनको बाबा के पास भेजा गया है, आज सुबह उनकी मुलाकात हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि बीजेपी के लोग और आप चूंकि उत्तर प्रदेश के इस वक्त मुखिया बने हुए कैंपेन के, कहीं आप घबरा तो नहीं गए कि कहीं ये मिस फायर तो नहीं हो गया? देखिए, घबराने का कोई सवाल ही नहीं है, किसी से घबराने का सवाल नहीं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की लहर चलती है। आप जब चुनाव की काउंटिंग होगी तब भूपेंद्र जी देखना, सबके होश उड़ जाएंगे। इतनी बड़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। मोदी के प्रति उत्तर प्रदेश की जनता में एक अथाह श्रद्धा का भाव दिख रहा है, एक आशा का भाव दिख रहा है और एक देश में परिवर्तन मोदी कर सकते हैं ऐसी एक श्रद्धा बनी हुई। आपको नहीं लगता कि मायावती जी ने जो स्टेटमेंट दिया कि नरेंद्र मोदी को किसी कीमत में मैं प्रधानमंत्री बनने नहीं दूंगी, क्यों उन्होंने ये कहा होगा? कि आपको लगता है कि उनकी नरेंद्र मोदी से कुछ आपसी दुश्मनी है या उनको लगता है कि नरेंद्र मोदी जी ठीक व्यक्ति नहीं है देश के लिए? देखिए, वो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहती है तो वो कैसे कहेगी मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए? इतनी सादी सीधी से बात आप नहीं समझते राजनीति में भूपेन जी? आप तो मुझे सवाल पूछ रहे हैं? नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं, जो व्यक्ति खुद ही सवाल प्रधानमंत्री बनना चाहे वो किसी और को बना सकता है क्या? आपको लगता है कि बात से उतनी ही है? आपको लगता है कि मायावती जी ये चाहती हैं कि वो खुद प्रधानमंत्री बन जाएं, इसलिए मोदी जी के खिलाफ बोल रही हैं? अरे भाई, जो लड़ाई के मैदान में उतरेगा वो ऐसा कहेगा कि मैं हारने वाली लड़ाई लड़ने जा रहा हूं। यानी कि किसी भी सूरत में आपका और बहुजन समाज पार्टी का कोई तालमेल फिलहाल आपको नहीं होते हुए दिखता? मैंने ऐसा नहीं कहा, वो आप कह रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में संभव है? अरे भाई, जो और तो से राजनीति नहीं चलती। हम अभी सबसे बड़ा दल बनकर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में उभरेगी। एक जो बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि जो आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत नींव के रूप में उभरेगी उत्तर प्रदेश में, उसके लिए नरेंद्र मोदी का उत्तर प्रदेश से चुनाव लड़ना अनिवार्य है। अमित शाह को लगता है ऐसा? अभी तय नहीं हुआ कि मोदी जी कहां से चुनाव लड़ेंगे। वो लड़ेंगे, लेकिन क्या संभावना है इसकी यूपी से? यूपी से लड़ने की क्या, पूरे देश भर से लड़ने की संभावनाएं खुली पड़ी है, इस पर पार्टी ने बैठ कर कोई विचार ही नहीं। जो अन्य मुद्दा निकल के आ रहा है अमित जी इस चुनाव में, वो है मनी पावर का, पैसे की जो राजनीति है। हमने कानपुर में एक रैली देखी, अभी पटना में आपकी रैली होने वाली है। लोग कह रहे हैं कि दरअसल हो क्या रहा है कि पूरी कॉरपोरेट जगत की फंडिंग जो है वो अमित शाह अपने कुछ उद्योगपति मित्रों के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी जी के ऊपर झोंक रहे हैं। क्या ये वाकई पैसे की राजनीति है सर? ये मुझे लगता है कोई लोग नहीं कह रहे, ये आप लोगों के दिमाग की पैदाइश है। मुझे पटने की तो मालूम नहीं है, अभी रैली हुई भी नहीं। कहा जा रहा है 100 करोड़ रुपया खर्चा किया जा रहा है। मुझे सुन लीजिए, कानपुर का मुझे मालूम है सिर्फ 110 बजे बसें उपयोग में लाई गई हैं और मंच के पीछे सिर्फ 11 लाख का खर्चा किया है, ऊपर भी कुछ नहीं लगाया था, लोग धूप में बैठे थे। हर जगह देखा गया कि बीजेपी के लोगों ने कहा कि ओहो, नरेंद्र मोदी को सुनने आना है, तो अगर आप मुसलमान हैं तो बुर्का पहन के आइए, टोपी पहन के आइए। ऐसा कहीं क्या राजनीति है? देखिए, बीजेपी के लोगों ने कहीं ऐसा, लेकिन लोग आए थे, लोग आए, बिक्री हो रही थी रैली ग्राउंड के बाहर। देखिए, अपने आप लोग कुछ भी कर सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने एज अ पार्टी ऐसा ना कोई प्रयत्न किया है ना ऐसी कोई सूचना। नरेंद्र मोदी जी ने लोगों को नहीं कहा कि अगर मेरी रैली में सुनने आना है तो इतने मुसलमानों को लेकर आओ? बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि वो अपने आप को एक इंक्लूसिव लीडर के रूप में पेश करना चाहते हैं। कोई जरूरत नहीं है। वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आईबीएन 7 पे चर्चा जारी रहेगी।